तंबे मारी मारी बायण मोटी माय कठे तो लगाई इतरी देर भमा मारी मार मारी पायण मोटी।
चरणों में अरदास करते हैं कि हे माँ, हे कुलदेवी, हे बायण भवानी। बोले श्री बायण ये चूंदड़ ओट लियो नी, चूंदड़ ओट लियो नी, चूंदड़ ओट लियो नी मारी माँ पायन रानी, घुंघटा में चमके सोनारी बाली, घुंघटा में चमके सोनारी बाली। बोले श्री पायन मात के था में हेला पे हेलो, हेला पे हेलो, देवू मारी माय, पायन मोटी माय, सोना राजा जलपा जीना मरी मैया, सोना राजा सोना रूपारी थोरी ईटा पड़ावो, सोना रूपारी थारी ईटा पड़ावो मैया, सोना रूपारी थोरी ईटा पड़ावो, सोना रूपारी थारी ईटा पड़ावो। थारो देवलियो चुनवोए मारी माय, चुनवोए मारी माय, सोना राजा सिंह सवारी प्यारी लागे, सिंह सवारी प्यारी लागे, हाथा में तलवारी साजे, हाथा में तलवारी साजे, सिंह सवारी प्यारी लागे, हाथों में तलवारी साजे, सिंह सवारी सोना राजा जलपा जीना कुल देवी भगलिया में बायन मां बेगी पधारो सेवक ढोल बजावे,
गवाड़ा फेरू जी संग मैया हो, गवाड़ा फेरू जी ने संग मैया हो, गवाड़ा फेरू जी ने संग मैया हो, गवाड़ा फेरू जी ने संग मैया हो, तू तो चौसठ दिल जो सोना राजा जड़ी मर मैया सोना राजा रजपूतों में मजबूती ओ दर दे मारी भाई रजपूतों में मजबूती भोले हाथ ढाल तले मारी मूठ मजबूती ओ मूठ मजबूती ओ दर दे मारी रजपूतों में मजबूती ओ दर दे भवानी रजपूतों में मजबूती पृथ्वीराज छो हाथ खान
खांडा खटकाया, वो खांडा खटकाया अखियों से अंधा, फिर भी पान तो चलाया। और सुनना कि जिस गांव में बरसात नहीं होती वहां की फसलें खराब हो जाती हैं, और जिस घर में संस्कार नहीं होते वहां की नस्लें खराब। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इस चुंडावत परिवार को, जो आप इतना भाव से इतने आनंद से सुन रहे हैं। आजकल के इस जीवन काल में ऐसे भजन नष्ट होते जा रहे हैं, ऐसी वाणियां कोई सुनने को तैयार नहीं है। जिस प्रकार से योद्धाओं ने बलिदान दिया था, और मेरा मैं बहुत बड़ा नसीब मानता हूँ, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरा रहना हल्दीघाटी के पास में ही है, और मैं आता जाता उस भूमि के दर्शन करता हूँ। लगभग कुछ मिनटों का समय है, ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है, और हमारा सभी का ये सौभाग्य है कि हमने इस मेवाड़ की धरती पर जन्म लिया है। और भगवान से कवि कहता है कि प्रभु चाहे दीजो लाख जन्म, परिया मनख जून एक बार, और पावू जन्म में उड़ जरा धाने जाने कहे। मेवाड़, ये मेवाड़ की धरती है, और इन मेवाड़ की धरती पर हुआ जननी जने राजने, जैसे राणा प्रताप अकबर सुतो ओज के जारे रेण सिराने सा, तलवारी चलाई थी कृपा तुम्हारी मारी जगतों में मामाई, ओ थी कृपा तुम्हारी जगतों मामाई, ए रखो हाथी ढाल तलवारी मूठ मजबूती, ओ मूठ मजबूती अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को बार बार संधि के पत्र भेजे गए कि महाराणा, जैसे दूसरे महाराजाओं ने संधि स्वीकार कर ली है, वैसे भी आप भी संधि पत्र स्वीकार कर लीजिए। पर महाराणा प्रताप ने कभी संधि पत्र स्वीकार नहीं किया, और बादशाह अकबर को सभी ने बादशाह कहा, पर महाराणा ने अपने जीवन काल में अकबर को कभी बादशाह नहीं माना। और उन्होंने यही सोचा कि ये शीश कट जाए, मगर शीश झुके नहीं, ये वो धरती है साहब, हम ऐसी धरती पर बैठे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए कि हूं लड़ियो गणो हूं सयो गणो, मेवाड़ी मान बचावण ने हूं पाछ नहीं राखी, रण में बेरियारो खून पहावण ने, हरे गासरी रोठी ही जन बन मिलावड़ो ले भाग्यो, और नानो सो अमरियो चीख पड़ियो राणा रो सोयो दुख जागे। तो ऐसे ऐसे बलिदान वीरों ने दिए हैं, और नारी शक्ति में एक समय की बात, छोटी सी कहानी, वो छोटी सी कहानी धरती पर की ना, नाम जासी की रानी, वो धरती पर की ना, नाम जासी की रानी, अपने बेटे को पीठ पे घोड़ा तो दौड़ाया, वो घोड़ा तो दौड़ाया, इन अंग्रेजों का
पास से छक्का तो छुड़ाया, वो इन अंग्रेजों का देश से छक्का तो छुड़ाया। और देखिए, हम धर्म की दलाली करते हैं, हम किसी पक्ष की दलाली नहीं करते। और जो धर्म के साथ में है हम उनके साथ में हैं, और जो धर्म के साथ में नहीं वो हमारा नहीं, और जो राम का नहीं वो हमारा, और जो राम का है वो हमारा है। आजकल के समय में, आजकल की किताबों में, आजकल की पढ़ाई में, जो मुगल काल में जो बादशाह हुए उनको बड़ा सम्राट बताया गया है, और हमारे लिए बड़ी विडंबना है कि हमारे लिए जो लड़े, जिनकी वजह से हम आज यहां पर आजाद बैठे हैं। हमारे यश भाई साहब ने कहा कि अगर उन्होंने बलिदान नहीं दिए होते तो आज हमारे नाम के पीछे भी कुछ ना कुछ खान लगता है। ये सही बात है साहब। ऐसे वीर योद्धा बलिदानों के लिए एक बार जोरदार पूरे पांडाल से तालियों के साथ में उनको बार बार वंदन करते हैं। उनकी चाहे जितनी महिमा गाए पर उनका एहसान कभी नहीं चुका सकते। ऐसे हुए हैं वीर पुरुष, और ये मेवाड़ की धरती है, हमें बड़ा गर्व है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये हिंदू का भगवा है, और हक से लहराएंगे। और श्री राम जी आए हैं तो अब कृष्ण भी आएंगे। एक बार सभी गाएंगे मेरे साथ में, और जोरदार जयकार लगाएगा। बोले सियावरी रामचंद्र भगवान की। श्री राम जी आए हैं, श्री राम जी आए हैं, अब कृष्ण को लाएंगे। श्री राम जी आए हैं, अब कृष्ण को लाएंगे। श्री राम जी आए हैं, अब कृष्ण को लाएंगे। आज से लगभग साल भर पहले हम हमारे घर पे भगवा नहीं लहरा सकते थे। जिस प्रकार का भगवा आज लहरा रहा है, वो भगवा हम अपने घर पे नहीं लहरा सकते थे। और जब से भजन लाल जी आए हैं तब से भगवे की कोई टेंशन नहीं है साहब। हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं हैं। जो राम का है वो हमारा है ना। जो हमारे राम के साथ में है हम उनके साथ में हैं। जय जय श्री राम। और अभी कुछ दिनों पहले एक कपासन में कुछ ऐसे देश में नमूने हैं जिन्होंने कहा था कि मेवाड़ का एक ही राजा कौन, उनके जो वहां पे बैठा है ना, हैं जो वहां पर वो मुर्दे की, उनको कहते हैं कि मेवाड़ का यही राजा है। पर हम कहेंगे कि मेवाड़ का एक ही राजा था, एक ही राजा है, और एक ही राजा रहेगा। बोले कलिंगनाथ की। इसलिए अपने 33 कोटि देवी देवता हैं उनको छोड़ करके कहीं मत जाइए साहब। 33 कोटि देवी देवता हैं उनको छोड़ के कहीं मत जाइए। ना चादर चाहिए ना फादर चाहिए, ना चादर चाहिए ना फादर चाहिए, ना चादर चाहिए ना फादर चाहिए, ना चादर चाहिए ना फादर चाहिए। हम राम दीवाने हैं, हम राम दीवाने हैं। कौन कौन मेरे साथ में एक बार देखे, दोनों हाथ ऊपर उठा करके, क्या बात है। हम राम दीवाने हैं, हम राम दीवाने हैं, हमें भगवा चाहिए। हम राम दीवाने हैं, हमें भगवा चाहिए। ले हाथी ढाले तलवारी मुट्ठी मजबूती, ओ मुट्ठी मजबूती दे भवानी वीरों में मजबूती, ओ धरती माँ भवानी वीरों में मजबूती। देवी मारी धर मृग पति को रूप, भूप की लाज बचा लिए। ओ देवी मारी धर मृग पति को रूप, भूप की लाज बचाई है। ओ राजल धर मृग पति को रूप, भूप की लाज बचाई है।
हो काला बन वो काला बन गणा रूपाला सा सिंगो लीरा शाह जो सोवे इस जाति सर पछिरंगी पारसा भेजा सोवे इस जाति सिर पछिरंगी पारसा भेजो सोवे इस जाति सिर पछिरंगी पारसा भेजा सोवे इस जाति सिर पछिरंगी पारसा वो दाढ़ी में वो दाढ़ी में दाढ़ी में हीरो सिंगोली राशा ये काला पण वो का
चली राशा। वो किस्मत वाले अरे प्रेम से बोलो, अरे सारे बोलो और जोर से बोलो, चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया, चलो बुलावा आया है माता ने चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है।
सो तेरा जा जरे बाद
राजा जर बाजना को माता सोचे राजा जर दिल में बसने वालों ने चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया प्रेम से बोलो अरे सारे बोलो अरे सब मिल बोलो आवाज न आई अरे सब मिल बोलो अरे आगे भी बोलो हो पीछे भी बोलो अरे मैं नहीं सुनिया और जोर से बोलो अरे तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए मैं आया शेरा वाली तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए मैं आया शेरा वाली वो किस्मत वाले होते हैं वो किस्मत वाले होते किस्मत वाले होते वो किस्मत वाले होते मैं रमता जोगी
रमता जोगी, रमता जोगी। मैं प्रेम दा प्याला पी आया, प्रेम दा प्याला। कौन कौन पी रहा है प्रेम दा प्याला? मैं प्रेम दा प्याला पी आया, मैं प्रेम दा प्याला पी आया, मैं प्रेम दा प्याला पी आया, मैं प्रेम दा, मैं पल में सदिया जी आया, मैं पल में, मैं रमता जोगी, मैं रमता जोगी, मैं रमता जोगी, मैं रमता जोगी। एक बिन जारा सबकी मंजिल तेरा द्वार, सारा जग है एक बिन जारा सबकी मंजिल तेरा द्वार, सारा जग है एक बिन जारा सबकी मंजिल तेरा द्वार। ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा पर्वत लंबा रस, फिर भी नारे पाया सेरा वालिए, मैं आया सेरा वालिए, तूने मुझे बुलाया सेरा वालिए, मैं आया सेरा वालिए। पर सब ही पुजारी, कौन है राजा कौन भिकारी, तेरे दर पर सब ही पुजारी, कौन है राजा कौन भिकारी, तेरे दर पर सब ही पुजारी। मुंह खोलूं और मैं क्या मांगूं, मुंह खोलूं और मैं क्या मांगूं, बिन मांगे सब पाया सेरा वालिए, मैं आया सेरा वालिए। पर मिल गए साथी, सुन घर में जल गई बाती, तेरे पथ पर मिल गए साथी, सुन घर में जल गई बाती, तेरे पथ पर मिल गए साथी। तूने अपना दर्शन दे कर, दर्शन दे सबको गले लगाया सेरा वालिए, मैं आया
आया।